हियर आर सम फैक्ट्स अबाउट WBJEE कॉलेजेस। सबसे पहला फैक्ट यह है कि WBJEE के अंडर जो प्राइवेट कॉलेजेस आता है उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहता है और कोई स्टेट कोटा भी नहीं रखता है। मतलब इंडिया का कोई भी बच्चा आकर यहाँ पर एडमिशन ले सकता है जो प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे कि IIM है, हेरिटेज है, हल्दिया है। हर सीट जनरल सीट होता है, हर सीट ऑल इंडिया सीट होता है। उसके बाद वाला जो फैक्ट आता है वो है जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे सिर्फ डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है, प्राइवेट कॉलेज में कोई डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं होता है। जो सीट रह जाता है वो फिल होता है मैनेजमेंट कोटा से। और मैनेजमेंट कोटा क्या होता है? मैनेजमेंट कोटा मतलब थोड़ा ज़्यादा फीस देकर वहाँ पे कोई भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो तुम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैनेजमेंट कोटा से प्लेसमेंट के टाइम मैनेजमेंट कोटा का जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट्स रहता है, उसको थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है जो WBJEE देकर घुसा है उससे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है जो WBJEE देकर घुसा है IIM हेरिटेज में देन ए मैनेजमेंट कोटा स्टूडेंट। ओके, उसके बाद जो फैक्ट आता है कि CU में जो ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है वो एक सर्किटल ब्रांच है। उसके बाद आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी में पावर इंजीनियरिंग एक सर्किटल ब्रांच है। उसके बाद फैक्ट यह आता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो फार्मेसी ब्रांच है, बी फार्म जो बोलता है लोग, उसमें एडमिशन के लिए GMR देखकर एडमिशन होता है, PMR देखकर नहीं होता है। और जादवपुर के सिवाय जो फार्मेसी कॉलेजेस है, मतलब गुरु नानक हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, वहाँ पे PMR चलता है लेकिन जादवपुर में GMR चलता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें मैथमेटिक्स अगर ना आए तो फिर भी तुम्हें फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा, ये नहीं होगा। GMR देखकर एडमिशन होता है। और मैथमेटिक्स में तुम्हें पॉजिटिव स्कोर लाना होगा, मैथमेटिक्स में अगर तुम्हें स्कोर नेगेटिव आया है तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा फार्मेसी में जादवपुर में। नेक्स्ट फैक्ट ये आता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ब्रांच अपग्रेडेशन नहीं होता है। और कोई भी कॉलेज वेस्ट बंगाल में ब्रांच अपग्रेडेशन होता है, सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी में ब्रांच अपग्रेडेशन नहीं होता है। उसका मतलब ये है कि अगर तुम कंस्ट्रक्शन या प्रिंटिंग में घुस जाओ तो वहाँ पे ही तुम्हें 4 ईयर्स रहना होगा, कोई ब्रांच अपग्रेडेशन नहीं होता है। CU में जो JFT ब्रांच है, जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी, उसका कट ऑफ लास्ट तक चला जाता है। मतलब जितना लोग एग्ज़ाम देता है वो उस तक चला जाता है कट ऑफ। मतलब जैसे कि लास्ट ईयर मैं बोल लूँ तो 60,000 तक चला गया था जनरल का कट ऑफ। इसका मतलब ये है कि तुम अगर सिर्फ कॉलेज का टैग चाहिए, CU चाहिए, तो JFT तुम्हें मिल जाएगा कोई भी रैंक से। जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो आर्किटेक्चर ब्रांच है उसमें घुसने के लिए WBJEE तो देना होता ही, उसके सिवाय नाटा एग्ज़ाम भी क्लियर करना होता है। नेक्स्ट में जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है वहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहता है, हर सीट जनरल सीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है।